ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। एक्टर जिसका सपना था चांद पर घर बनाना, एक ऐसा कलाकार जो आया एक छोटी सी जगह से और बन गया सबके दिलों का स्टार, सुशांत सिंह राजपूत। तेरे जाने का गम और ना आने का गम बहुत बड़ा और कड़वा सच है जिंदगी का। नमस्कार, मैं दिशा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल के बर्थडे स्पेशल में। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका आज जन्मदिन है। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने बीते साल 14 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी वे अपने फैंस की यादों में मौजूद हैं और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाने वाले सुशांत का आज जन्मदिन है। आज उनके परिवार और फैंस की आंख एक बार फिर नम हो गई हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 1986 में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह और माँ का नाम उषा सिंह था। सुशांत की चार बहनें हैं और वो अकेले और लाडले भाई थे। सुशांत बचपन से ही हर काम पूरा मन लगा के किया करते थे, बहुत मेहनती थे और टैलेंट तो इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। इन्हें बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उनका परिवार साल 2000 के शुरुआत में दिल्ली में आके रहने लगा। सुशांत की स्टार्टिंग की पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल में पटना से की और इसके आगे की पढ़ाई दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से की थी। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सुशांत पढ़ाई में अव्वल थे, इस वजह से वे कई परीक्षाओं में बैठे और सफल हुए, लेकिन उन्हें तो अपना करियर फिल्मों में बनाना था, इसलिए वे पहले दिल्ली आए और इसके बाद मुंबई का रुख किया। सुशांत के करियर की बात करें तो उन्होंने स्टार प्लस की सीरियल किस देश में है मेरा दिल से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस सीरियल के बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता में मानव का किरदार अदा किया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था। इस सीरियल से ही सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। इस सीरियल के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने अपनी पहली फिल्म कायपो 6 में मुख्य किरदार निभाया। इसके बाद वे MS धोनी, शुद्ध देसी रोमांस, छिचोरे और केदारनाथ जैसी कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, जिसमें उनके साथ संजना सांगी नजर आईं। ये फिल्म सुशांत के जाने के बाद 24 जुलाई 2020 को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। न जाने कितनी फिल्मों में हीरो को मरते देखा गया, मगर इस फिल्म में सुशांत के मरने वाले सीन को देख फैंस का दिल फिर भर आया और जैसे उस दिन सब रोए थे, आज उनके जन्मदिन पर एक बार फिर सबकी आंखें नम होंगी। जाहिर सी बात है, इस हस्ती को कभी कोई नहीं भुला पाएगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, जल्द ही फिर मिलूंगी किसी और फिल्मी खबर के साथ। बाकी सारी फिल्मी खबरों और चटपटी गपशप की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.